चलो गुड देन. सो जस्ट टू रिवाइज, वी आर लर्निंग पाइथन, और पाइथन में हमने बेसिक से सीखा है एवरीथिंग, राइट? प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई पाइथन इज यूज्ड, हो राइट? सबको पता ही है. अलग अलग डेटा टाइप्स क्या है. सो ब्रीफ में हमने दो चार डेटा टाइप्स, इंडिविजुअल एज इन डेटा टाइप्स भी हमने ब्रीफ में देखा है, राइट? सो करंटली हम क्या देख रहे थे? वी वेयर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स हुआ है डिफरेंट डेटा टाइप्स में. लेट मी ओपन द पीपीटी. बेसिक डेटा टाइप्स कवर हुए थे आपको, ये बेसिक डेटा टाइप्स कवर है, राइट? सो ये कवर्ड दिस बेसिक, और इसमें से वी आर स्टार्टिंग विद द दिस डिक्शनरी सेट एंड फ्रोजन सेट. ओके, लिस्ट स्ट्रिंग हमने देखा है, लिस्ट देखा है. टपल इज अ रीड ओनली वर्जन, ये भी हमने कल देखा, वेयर यू कैन राइट विद द पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट? सो क्विकली हम टपल देखें एंड देन विल स्टार्ट विद द डिक्शनरी एंड सेट. सर सेट, हेलो, यस. स्क्रीन शेयर के लिए का सर दिक्कत नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई गेस. हाँ, ओके. Now it is visible. यस सर। Okay, good. So, logical operator का आंसर क्या आता है? ये comparison operator का. चलो quickly. क्या आता है comparison operator का आंसर? ट्रू फॉल्स हाँ, true false मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रू फॉल्स को क्या बोलते हैं? बुलियन फंक्शन, बुलियन. फंक्शन नहीं है, बुलियन. बुल और बुलियन, बुलियन बुलियन। हाँ, फंक्शंस अलग हैं. ओके, सो टपल टपल इज अ रीड ओनली वर्जन, राइट? ये रीड ओनली वर्जन है. देखिए, फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल चेरी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हमने सिर्फ पैरेंथेसिस यूज किया है. नेक्स्ट डेटा टाइप इज कॉल्ड डिक्शनरी. डिक्शनरी में क्या है? सो डिक्शनरी इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर. की एंड वैल्यू पेयर, ऐसे दो कंबाइन इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो. अभी तक जो आपने लिस्ट टपल में देखा, सिंगल इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते थे, राइट? यहाँ पे पेयर स्टोर कर सकते हो, की एंड वैल्यू. जनरली इसका यूज होता है टू स्टोर अ मल्टीपल रिकॉर्ड्स और टू स्टोर अ कंबाइंड रिकॉर्ड ऑफ अ सिंगल एंटिटी और अ थिंग. मान लीजिए आपने अमेजोन वेबसाइट देखा होगा, राइट? अमेजोन पे प्रोडक्ट रहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन. तो मोबाइल, मोबाइल में क्या आएगा? मेक, उसका मेक, मॉडल, मॉडल. ऐसे लिस्ट डिफाइंड रहता है, स्पेसिफिकेशन, रैम, चार्जिंग. तो यह सारे मोबाइल के लिए सेम रहेगा स्पेसिफिकेशन, राइट? मतलब स्पेसिफिकेशन के हेडिंग सेम रहेंगे, इन्फॉर्मेशन अलग अलग रहेगा, मतलब डेटा अलग अलग रहेगा, बट दे विल मेंटेन सम स्टैंडर्ड सच एज मेक, मॉडल, बैटरी साइज, रैम साइज, स्क्रीन. ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन सारे मोबाइल के लिए सेम है. सो दैट्स व्हाई पीपल यूज समथिंग कॉल्ड डिक्शनरी. डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं? आई कैन स्टोर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन. देखिए, नेम कोलन नाम लिखा, फिर कोलन दिया, मतलब सेमी कोलन दिया, देन सेक्स, देन कोलन एंड मेल, एज कोलन 32, फिर सेमी कोलन, देन मैरिड टू. मतलब मैं कंबाइन करके इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ, एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन. इसको लिखना कैसे है? देखिए, कर्ली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और की एंड वैल्यू पेयर के बीच में कॉमा रहता है, नॉट अ सिंगल वैल्यू. की रहेगा, कॉमा ऐसा नहीं रहेगा, की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू, कॉमा, की रहेगा, कोलन एंड वैल्यू, कॉमा, ऐसे, राइट? ये तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टोर्ड. ये देखिए, ये हो गया एक एलिमेंट, फिर कॉमा, दूसरा एलिमेंट, कॉमा, तीसरा एलिमेंट, कॉमा, फोर्थ एलिमेंट एंड ब्रैकेट क्लोज. समझ में आया?
सो दिस इज हाउ यू राइट अ डिक्शनरी, और प्रिंट करके देखिए डिक्शनरी ऐसे दिखता है। की एंड वैल्यू पेयर, करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट, और दो कॉमा के बीच, ये जो कॉमा है तीन, इसके बीच क्या है देखिए, ये की है और इसको बोलेंगे वैल्यू, ये हो गया की, इसको बोलेंगे वैल्यू, ये हो गया की, इसको बोलेंगे वैल्यू, इन दोनों के बीच ये ऐसे कोलन है, राइट? दिख रहा है सबको? सो की एंड वैल्यू पेयर स्टोर होता है, इंडिविजुअली सिर्फ की स्टोर होगा क्या? नहीं, सिर्फ वैल्यू होगा क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। समबडीज माइक इज स्टिल ऑन। ओके सौरभ, यू कैन म्यूट यूर सेल्फ। देर इज इको। ओके, सो स्क्रीन शेयरिंग नहीं के लिए ऑटो स्टार्ट, सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सॉरी। ओके, या थैंक यू थैंक यू, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्टार्ट। इट इज स्टार्टेड। ओके ओके, हाँ चले। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टोर द की एंड वैल्यू पेयर। इसका यूज होता है जनरली टू स्टोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विसेस, कंबाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो यू कैन यूटिलाइज द डेटा टाइप कॉल्ड डिक्शनरी। ओके, द नेक्स्ट डेटा टाइप है कॉल्ड सेट। बाय द वे, हम अभी ब्रीफ में देख रहे हैं, ब्रीफ मतलब इन शॉर्ट, शॉर्ट में हम देख रहे हैं अभी, डिटेल में वापस सब कुछ पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ओके, द नेक्स्ट डेटा टाइप इज सेट। यहाँ पे दिख रहा है सेट, सेट एंड फ्रोजन सेट। सो सेट का क्या प्रॉपर्टी है, इट इज ऑल्सो रिटन इन अ करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, बट की एंड वैल्यू पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप नंबर्स लिख सकते हो यहाँ पे, बट नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है। ओके, आप डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते। लेट्स सी विद द एग्जांपल। देखिए माय सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, टाइप देखिए सेट। ओके, और सपोज यहाँ पे हमने कॉपी, इफ आई राइट दिस, और यहाँ पे मैं दो तीन बार 12 लिखता हूँ एंड एग्जीक्यूट, कॉपी इफ आई एग्जीक्यूट, देखिए मैं कितनी बार भी लिखू 12, इट इज कमिंग एट ओनली वंस। ओके, डुप्लीकेट अलाउड नहीं, यही लिस्ट है तो लिस्ट कैसे करना है इसको, ऐसे राइट ऐसे किया तो क्या हो गया, लिस्ट होगा। ये देखिए ये लिस्ट में मल्टीपल अलाउड है, राइट? तो इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन रहता है, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द लिस्ट, तो क्या आंसर आएगा आपका, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द लिस्ट, यूजिंग सेट। यस, वी कैन कन्वर्ट list into set। okay, good। and इसको ही और थोड़े तरीके से पूछते, how to find unique values from the list, मतलब list में से non duplicate value मुझे चाहिए और unique value चाहिए, तो meaning same ही है सबका, right? you can convert it into a set। set क्या करता है, unique value देता है ना आपको, unique value देता है मतलब डुप्लीकेट रिमूव करता है। होप आपको थोड़ा इंग्लिश समझ में आ रहा है व्हाट वी आर सेइंग, कहते हैं ना डुप्लीकेट रिमूव करना और यूनिक फाइंड करना, दोगाचा अर्थ एकच है। ओके, सो नेक्स्ट डेटा टाइप इज कॉल्ड फ्रोजन सेट। तो फ्रोजन सेट कसा क्रिएट करतात, इन्स्टेड ऑफ राइटिंग सेट तर याला तुम्हाला सेपरेटली फ्रोजन सेट नावाचं एक फंक्शन येतं, जसं प्रिंटचं फंक्शन आहे, राईट? प्रिंट फंक्शन क्यों, प्रिंट लिखा है और आपने ऊपर ब्रैकेट दिया है दो, तो वैसे ही फ्रोजन सेट भी एक ब्रैकेट है, देखिए ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, इसको फंक्शन कहते हैं, इसको फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन आपको यूज करना पड़ता है, उस फंक्शन के अंदर क्या देना है, एक सेट देना है, तो ये फ्रोजन सेट हो जाएगा। दिखता कैसे है, कॉपी देख लीजिए एक बार कैसे दिखता है, फ्रोजन सेट ऐसे दिखता है। इसका डेटा टाइप चेक करना है तो यू कैन चेक फ्रोजन सेट।
इसका यूज क्या है, कहाँ पे यूज होता है, क्या डिफरेंस है सेट और फ्रोजन सेट में, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न. जब डेटा टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे दैट टाइम आई कैन शो यू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज मतलब एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक. जैसे सेट का यूनिक कैरेक्टर क्या है कि वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता. ऐसे हर एक डेटा टाइप का एक यूनिक कैरेक्टर्स है. तो वो यूनिक कैरेक्टर्स हम सीखेंगे और जब भी आपको कोई डिफरेंस पूछेगा दैट टाइम यू कैन टेल अबाउट लिस्ट दीज आर फोर कैरेक्टर फोर पॉइंट अबाउट सेट 1 2 3 4. ओके ओके क्लियर. ओके देयर इज वन मोर रेंज टाइप ऑफ अ फंक्शन. तो ये क्या करता है, इट जनरेट्स अ नंबर. नंबर जनरेशन के लिए मोस्टली बहुत बार रेंज नाम का एक फंक्शन यूज किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो कैसे लिखा जाता है, जैसे हम प्रिंट लिखते हैं वैसे ही रेंज लिखिए और ब्रैकेट के अंदर आपको जो नंबर चाहिए वो लिखना है. ओके रेंज 10. तो ये आपको डायरेक्टली आंसर नहीं देता. देखिए ऐसे मैं लिखूंगा तो ये सिर्फ ये रेंज 0 to 10 देगा, बट इस इंफॉर्मेशन के अंदर पूरे नंबर से 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 9 तक रहता है. तो ये हमें कैसे पता चलता है, देखिए यू नीड टू राइट समथिंग कॉल्ड लूप. एक फॉर लूप लिखना पड़ता है, फॉर नंबर इन नंबर्स. नंबर्स में क्या है, रेंज 15. प्रिंट नंबर मतलब ये जो टेम्पररी वेरिएबल है इसको प्रिंट करना है. और आप डायरेक्टली ये रेंज कॉपी यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है. फॉर नंबर इन रेंज प्रिंट नंबर एग्जीक्यूट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे फॉर नंबर इन. ये एक तरीका है नंबर जनरेशन का. आपको कोई नंबर जनरेट करना है तो यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड रेंज. ओके क्लियर एवरीवन. तो ये लूप क्या है, कैसे काम करता है, फॉर लूप क्या है, इन क्या है, डोंट वरी वी हैव अ स्पेसिफिक टॉपिक. उससे रिलेटेड एक एक अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉल्ड फंक्शंस, कॉल्ड लूप, व्हाइल लूप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ओके सो एजेंडा मतलब अभी का समरी आपको देना है क्विकली सो यू अंडरस्टूड ऑल द डेटा टाइप राइट. मतलब कैसे लिखना है, क्या है, ये समझ में आया. इसका डिटेल्ड आपको अभी तक समझ नहीं आया, दैट विल कवर वन बाय वन. ओके तो दीज आर द सर सेट और फ्रोजन सेट में डिफरेंस क्या है सर वैसे मतलब. यस यस सो क्विकली आई विल टेल यू. सेट इज अ म्यूटेबल, फ्रोजन सेट इज अ इम्यूटेबल. मतलब जैसे लिस्ट क्या था, चेंज कर सकते थे. टपल क्या था, चेंज नहीं कर सकते. इसको इम्यूटेबल बोलते हैं और रीड ओनली बोलते हैं राइट. लिस्ट का ही सेम ऐसे ही लिखते हैं बट टपल रीड ओनली है. तो वैसे ही सेट का रीड ओनली फॉर्म है फ्रोजन सेट. बहुत कम बार यूज होता है बट यस इट इज देयर. जैसे लिस्ट और टपल है वैसे सेट एंड फ्रोजन सेट है. ओके तो ये म्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है, प्रॉपर्टी रीड ओनली क्या है, आपको मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा देन वी कैन डिस्कस ऑन दैट. ओके क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है. आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग. जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो उसका प्रोग्राम आपको मिलेगा, मतलब प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे हम. उसके बाद ही मैं आपको प्रूव करूंगा कि सी दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके क्लियर सबको. सो दैट्स व्हाई डोंट गेट इमिडिएटली कंफ्यूज कि क्या हो रहा है. गिव इट अ टाइम, लर्न स्लोली, थोड़ा स्लोली सीखिए क्योंकि आगे जाके सब कुछ हम यूज करने वाले हैं. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू डू ऑल द होमवर्क. थोड़ा होमवर्क सिंसियरली कीजिए क्योंकि आगे जाके जब हम मॉड्यूल वगैरह पढ़ेंगे यू विल नॉट फील एनी ट्रबल और यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इफ यू कीप योर बेसिक्स क्लियर. ओके
सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम देखेंगे कॉल्ड फंक्शंस. अभी ओके फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग स्पेसिफिक टॉपिक्स. जैसे हमने डेटा टाइप्स देखा है राइट, वैसे ही सिमिलरली विल स्टार्ट लर्निंग फंक्शंस. तो बहुत बार मैं जब आप पढ़ रहे होंगे कुछ सुन रहे होंगे रिकॉर्डिंग, तो बहुत बार मैंने फंक्शंस 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 ऐसे बोला है. सो व्हाट इज दिस फंक्शंस और व्हाई दे आर अवेलेबल इन पाइथन, एनी आइडिया? एनीवन हैज एनी बैकग्राउंड? किसी को कुछ बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग का? जावा, सी, सी प्लस प्लस? यस ओके. किसी को बैकग्राउंड और किसी को पता है तो दे माइट हैव कम अक्रॉस दिस टॉपिक कॉल्ड फंक्शंस, क्योंकि ये फंक्शंस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है. जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, कॉटलिन, वर्किंग सेम है बट उसे लिखने का तरीका अलग रहता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ओके तो हम पाइथन में कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे. सो जनरली फंक्शंस तब लिखा जाता है जब आपको रिपीटेशन अवॉइड करना है. रिपीटेशन मतलब मान लीजिए मैंने कुछ लॉजिक लिखा है, एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक है सच एज टू फाइंड टू चेक वेदर द गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं. ओके लॉजिक लिखा है तो ये लॉजिक आपको यूज करना है, हाँ स्क्रैच से शुरू नहीं करना, आपको यूज करना है. तो मैं ये लॉजिक आपको कॉपी करके भेज सकता हूँ. कैसे? By using a function. मैं आपको एक कीवर्ड भेजूंगा, वो कीवर्ड आप यूज करोगे तो आपको ये लॉजिक समझ में आएगा. इसका एग्जाम्पल है वन ऑफ द वेरी बेसिक एग्जाम्पल, प्रिंट. ओके सो ये प्रिंट क्या कर रहा है? प्रिंट इज वन ऑफ द फंक्शंस, मतलब प्रिंट इज, इसको भी हम फंक्शन बोलते हैं क्योंकि ये प्रिंट जो करता है, ये यहाँ पे स्क्रीन पे जो लिख के आ रहा है, प्रिंट लिखने से यहाँ पे स्क्रीन पे जो आ रहा है, इसके पीछे जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम हाइड हुआ है ये प्रिंट फंक्शन के अंदर. ओके सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू इन थोड़ा और बेसिक में जाके सीखेंगे. पहले तो उसका डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए एंड व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट. होप अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा क्योंकि जिसने ये सारे फंक्शंस बनाए ही हैज क्रिएटेड द डॉक्यूमेंटेशन. सो आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो यू कैन रेफर दिस डॉक्यूमेंटेशन. ओके सो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज, समझ में आए नहीं आए सिर्फ पढ़िए, एक 15-10 मिनट निकाल के ये पढ़िए क्या है इसमें, कैसा है, कहाँ पे क्या लिखा है. ओके लेट्स बिफोर स्टार्टिंग द फंक्शन, ये फंक्शन के चार टाइप है, इनबिल्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, लैम्डा फंक्शन एंड रिकर्सिव फंक्शन. रिकर्सिव वी डोंट यूज मच इन आवर डेली एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है बट डेटा एनालिसिस में बहुत कम बार हम यूज करते हैं. सो वी विल फोकस ऑन थ्री फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड लैम्डा फंक्शन. ओके ये फंक्शन के तीन टाइप है. फंक्शन क्यों यूज होता है? टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कोडिंग, मतलब तीन चार लोग एक ही चीज पे काम कर रहे हैं ये इफिशियंट नहीं है. तो somebody will write, कोई तो कोड अप करेगा, प्रोग्राम करेगा, वो सेम प्रोग्राम में मेरे एप्लीकेशन में और मेरे फाइल में मैं यूज कर सकता हूँ. तो ये कैसे होता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? लेट्स अंडरस्टैंड विथ यूजर डिफाइंड फंक्शन. ओके पहले तो आपने इनपुट फंक्शन के बारे में ऑलरेडी सीखा है राइट, इनपुट कैसे लेते हैं क्या है, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन. ओके विल फोकस ऑन द यूजर डिफाइंड फंक्शन फर्स्ट. ओके तो इसे ऐसे लिखा जाता है. ओके लेट्स देखिए def, फिर माय फंक्शन मतलब फंक्शन का नाम है ये, फिर दो पैरेंथेसिस ऐसे दिख रहे हैं, फिर इसके अंदर कुछ दो वेरिएबल है, देन रिटर्न, फिर इधर एडिशन. ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मतलब ये स्टैंडर्ड ऐसे लिखा जाता है फंक्शन. इसको थोड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं. ओके लेट्स
इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, एक्स और हाँ एक्स कॉमा वाई भी लिख सकता हूँ, एक दो वेरिएबल है दैट्स इट। ये देखिए क्या करना है मुझे, मेरा रिक्वायरमेंट समझिए, मुझे क्या करना है, ऐसा एक फंक्शन बनाना है, जैसे आपने मान लीजिए प्रिंट लिखते ही आपको क्या आ रहा है, आपने लिखा प्रिंट हेलो, तो आपको क्या आंसर आया यहाँ पे, हेलो मतलब ये यहाँ पे जो लिखा है। तो मुझे ऐसा एक फंक्शन क्रिएट करना है, समथिंग कॉल्ड एड, एड नंबर, ओके मैं लिखूंगा एड नंबर और इसके बीच दो नंबर पास करूंगा कुछ भी ऐसे, तो मुझे आंसर में क्या आना चाहिए, ये ऐसे कोड रन करूंगा तो मुझे आंसर में इन दोनों का एडिशन चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ओके समझ में आया रिक्वायरमेंट, तो मैं ऐसा कुछ लिखूंगा एक वेरिएबल और दो नंबर उसको पास कर दूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए, मतलब इन माय केस एडिशन, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, सो इसके लिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है, इट स्टार्ट्स विद DEF, एक DEF नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है आपको, विच मीन्स डिफाइन। ओके आपको डिफाइन करना पड़ता है क्या फंक्शन का नाम क्या चाहिए, आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एड नंबर है, बट यहाँ पे ए बी सी डी लिखा तो भी चलता है, बट इट हैज टू बी रिलेवेंट ना, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो आप बोलिए एड एड अंडरस्कोर नंबर, ऐसा लिख दूँ चलेगा, ये भी है नहीं तो एड नंबर एड टू नंबर ऐसा लिखिए, विच एवर यू फील कंफर्टेबल विथ, एड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर नंबर, ये हो गया फंक्शन का नाम। फिर उसके बाद आप कितने नंबर भेजने वाले हो उतने वेरिएबल चाहिए, दो आप नंबर मतलब दो नंबर यहाँ से चाहिए, आप यहाँ से यहाँ भेजोगे तो दो वेरिएबल चाहिए, तीन भेजना है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखिए, चार भेजना है तो कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे एक रैंडम नंबर ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो और थोड़ा स्पेसिफिक चाहिए, नंबर वन कॉमा नंबर टू, ओके ये दो नंबर आ गए। फिर इसके बाद आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा क्या कि क्या करता है ये फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या करता है, एडिशन करता है, तो कर दीजिए नंबर वन प्लस नंबर टू, ओके इन दोनों का एडिशन कहाँ पे स्टोर होगा, रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में, राइट ये वेरिएबल है इसके अंदर रिजल्ट, ये रिजल्ट इसका नाम है, ये कुछ ऐसे नंबर रहेंगे आईडी फंक्शन के साथ, यहाँ पे आएगा नंबर वन प्लस नंबर टू, राइट ऐसे ही दिखेगा मेमोरी में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये रिटर्न करना है, मतलब ये आंसर यहाँ पे आएगा, सो लेट्स सी कि कैसे काम करता है ये। तो कॉपी देन दिस, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, पहले तो इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर फंक्शन कॉल करता हूँ मैं, कॉल मतलब ये फंक्शन को यूज करना, यहाँ पे कितने नंबर भेजना है, नंबर वन में 12 जाएगा, नंबर टू में 46 जाएगा, राइट तो रन यू कैन सी द आंसर, क्लियर। तो अभी मैं ये हर बार पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं, मैं हर बार सिर्फ फंक्शन लिख के कॉल कर दूंगा, बोलिए कौन से दो नंबर करना है ऐड, ऐसे एग्जीक्यूट आंसर आ जाएगा आपको डायरेक्टली। ओके सिंपल चाहिए तो सिंपल ऐसा, तो ये ऑटोमेशन हो गया ना, किसी और ने लॉजिक लिखा है, आप सिर्फ कॉल कर रहे हो, है ना, राइट समबडी हैज, इन आवर केस, हमारे केस में मैंने ही लिखा है, फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ओके समझ में आया फंक्शन क्या करता है, तो हर बार आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन कॉल सर करने के। इसमें सर हम प्लस माइनस वगैरह और एडिशन सब्ट्रैक्शन यही कर सकते हैं या बाकी कुछ हो? नहीं सब कुछ कर सकते हो आप,
देर इज नो लिमिट, आपको जो लॉजिक लिखना है आप ऑब्जर्व कीजिए ना, ये स्टेप में आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, सिर्फ ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये दोनों कंपलसरी है, इवन ये भी कंपलसरी नहीं है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। इतना लिखने के बाद एक कोलन आपको देना है, कोलन के बाद यहाँ पे स्पेस ऑटोमेटिकली आता है, इसको बोलते हैं इंडेंट, इंडेंट ये ऑटोमेटिकली आता है इंडेंट। इसके बला ये छोड़ के आप कुछ भी दे सकते हो, इसके अंदर कितना भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख सकते हो। ओके, एक्चुअली उसी के लिए फंक्शन यूज होता है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक कोई बना के रखेगा और हम सिर्फ कॉल करेंगे फंक्शन को। आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, फंक्शन मतलब क्या? ये देखिए ऐसा कुछ नाम है पैरेंथेसिस, तो आप जो प्रिंट कर रहे हो ये भी एक तरीके का फंक्शन है ना, राइट? देखिए प्रिंट और ये ऐसा है, इसके अंदर जो भी पास होते हो ये आंसर आता है। सो प्रिंट इज कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शन, क्यों? क्योंकि प्रिंट का जो यूजर डिफाइंड है ना फंक्शन डेफिनेशन, ये पाइथन जिसने बनाया उसने बना के रखा है ऑलरेडी, तो आप सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहे हो, आप फंक्शन नहीं लिखा है आपने, राइट? मतलब ये वो जो डिब्री ऑटोमेशन है और नीचे वाला मैनुअल है क्या? यस यस, तो ये हो गया ऑटोमेशन, ये किसी और ने लिख के रखा है, किसी और ने मतलब जिन्होंने पाइथन बनाया, और ये हमने लिखा है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, दिस इज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, कल जाइए आपको, नहीं नहीं सर मुझे एडिशन नहीं चाहिए, मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो लिखो सब्ट्रैक्शन का लॉजिक, यही रहता है ना, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर वन माइनस नंबर टू, रन एंड रन, देखिए माइनस में आंसर आ गया, राइट? ये देखिए माइनस हो गया, क्लियर? तो आपको नहीं नहीं सर मुझे और कुछ कॉम्प्लेक्स लिखना है, तो करंटली यू वी आर ओनली लिमिटेड टू दिस, तो यू गेट दिस, और एल्स एक चेक कीजिए, इज नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू, ये चेक कीजिए, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट है क्या, नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू है, फॉल्स, नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू, ट्रू, चेक कीजिए ट्रू, राइट? तो आपको जो लॉजिक लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हो आप, और ये हो गया रिटर्न, मतलब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये आप रन करोगे तो इसमें से 12 नंबर वन में आएगा और ये 46 जाएगा नंबर टू में, चला गया? फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है अभी बताइए क्विकली, नंबर वन इज इक्वल टू 12, राइट, कॉमा नंबर टू इज इक्वल टू 46, और नीचे फिर क्या होगा, कंपैरिजन होगा, किसका, नंबर वन कौन है 12 ग्रेटर देन 46, इसका आंसर क्या आता है हमेशा, कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर क्या आता है हमेशा, ट्रू और फॉल्स और बुलियन आता है, तो इस केस में क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स, और ये फॉल्स किसमें से होगा, फॉल्स किसमें से होगा, ये यहाँ पे रिजल्ट में से होगा क्योंकि हमने इज इक्वल टू लिखा है ना, तो आंसर क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स, ऐसा है। ओके, और ये रिजल्ट हमने क्या किया, रिटर्न भेज दिया, रिटर्न मतलब इसको वापस कर दिया, तो इसलिए ये यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है ऐसे। ओके, समझ में आया इसका वर्किंग? आप बोल रहे सर ये आपको कैसे पता चला, ये 12 इधर ही जा रहा है, ये 46 इधर जा रहा है, चेक करके देखो, मैं सिर्फ एक ही नंबर भेजता हूँ, देखो एरर आता है कि नहीं, आ गया, क्या बोलते हैं, देखो ये एड टू नंबर, मतलब ये फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, कौन सा है, नंबर टू, क्लियर? आया समझ में अभी कैसे वो नंबर्स ट्रांसफर होते हैं यहाँ से वहां? तो इसीलिए जितना आपको नंबर भेजना है वो भेज सकते हो, बट आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा इतना नंबर, क्लियरली लिख के आता है, बाय द वे पाइथन इज इजी टू लर्न, इसकी वजह से भी है,
आपको एरर आसानी से मिलते हैं। आपको समझ में आ रहा है गलती कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है गलती है? इतना इजी सॉल्यूशन कोई नहीं देता एरर के लिए। जावा वगैरह में एरर ढूंढने के लिए आपको टाइम लगता है, यहाँ पे तो डायरेक्टली मार्क होके आ रहा है कहाँ पे एरर है, ये क्या एरर है ये भी बता रहा है। दैट्स व्हाई पाइथन इज वेरी यूज्ड इन द इंडस्ट्री, इट इज क्वाइट पॉपुलर इन द इंडस्ट्री, क्योंकि आसानी से आपको पता भी चलता है एरर क्या है कहाँ है ये सब कुछ। ओके क्लियर, समझ में आया व्हाट इज फंक्शन? तो इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि आपने DEF कीवर्ड यूज करके लिखा है लॉजिक, राइट? इसीलिए। तो इसका ही एक दूसरा वर्जन भी है, दूसरा वर्जन कॉल्ड प्रिंट। प्रिंट का लॉजिक आपने लिखा है क्या? लेंथ का लॉजिक आपने लिखा है क्या? ID का लॉजिक आपने लिखा है क्या? नहीं, ये किसने लिखा है? पाइथन में इनबिल्ट आता ही है, तो इसको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शंस। ओके, तो ऐसे कितने इनबिल्ट फंक्शन है? ऊपर डॉक्यूमेंटेशन ओपन जो किया था, ये देखो, सॉरी बिल्ट इन, इनबिल्ट दोनों यूज कर सकते हो। बिल्ट इन फंक्शन ए से इतने सारे हैं, ई से फिल्टर फॉर्मेट, ये देखिए मैक्स मिन मिन नेक्स्ट ORD जो हमने देखा था, ये यहाँ पे देखिए ID यहाँ पे है, राइट? L में लेंथ है क्या? हाँ लेंथ दिख रहा है यहाँ पे, LEN। और स्पेसिफिक डेटा टाइप्स रिलेटेड भी है, देखिए LEN पे क्लिक कीजिए, लेंथ के बारे में डिटेल आपको पता चले। रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेंथ मतलब क्या? नंबर ऑफ आइटम्स। क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। समझ में आया यूजर डिफाइंड फंक्शन? यस नो, समझ में आ रहा है? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बाय द वे हम देखेंगे इनबिल्ट फंक्शन डिटेल में, बट रेफरेंस है यहाँ पे, तो इसीलिए आई एम शोइंग इट टू यू। ओके, सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्विकली यू कैन शो थम्स अप अगर आप दे सकते हो, एंड यू विल गेट इट। यूजर डिफाइंड थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन वी ऑलरेडी डिड, ये जो हमने एग्जांपल लिया ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का था। ओके, इसमें से आपको क्या क्या समझ नहीं आया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन का नाम है, राइट? तो दो नंबर है, और सॉरी यहाँ पे दो नंबर लिख देते हैं टू अवॉइड अ कंफ्यूजन। यस, तो अरे सॉरी, तो ये फंक्शन कॉल बोलते हैं इसको। ओके, ये फंक्शन कॉल, और ये क्या है? सॉरी, ये फंक्शन डेफिनेशन और ये फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन में से ये 12 कहाँ पे जाएगा? नंबर 1 में। 45 कहाँ जाएगा? नंबर 2 में। यहां तक समझ में आया? हाँ हाँ यस ओके, DEF कीवर्ड है ये, समझ में आया? हाँ। ओके, फिर इसके बाद आपको ये कोलन देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोलन नहीं दिया तो कुछ नहीं वर्क होगा। ओके, ये कोलन दिया आपने, समझ यहाँ तक क्लियर? कैसे लिखना है ये समझ लीजिए। ओके, द मोमेंट यू प्रेस इंटर, ये देखिए कहाँ से कीबोर्ड शुरू होता है, यहाँ से ये गैप ऑलरेडी आता है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा बैक स्पेस करके पीछे जाना है, ये पर्पजफुली रहता है। इसको इंडेंटेशन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इंडेंटेशन। ओके, तो ये स्पेस ऐसे ही रहने दो, डोंट गो बैक, ऐसे निकालना नहीं है स्पेस को, वो ऑटोमेटिकली आता है पाइथन की वजह से, तो इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, तो ऐसे ही रहना है, डोंट चेंज एनीथिंग। ओके क्लियर यहां तक?
ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्या हो गया, इनपुट स्टेटमेंट हो गया, इनपुट लॉजिक आउटपुट में से इनपुट हो गया ये। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, लॉजिक लिखना है। यहाँ पे मैंने लॉजिक लिखा है ग्रेटर देन का, आपको स्मॉल देन मतलब स्मॉलर देन लिखना है तो ये लिखिए, प्लस का लिखना है तो एडिशन का लिखिए, मल्टीप्लिकेशन का लिखना है तो वो लिखिए। सो दिस इज लॉजिकल स्टेप, आपके लॉजिक लिखने के लिए एक स्टेप है ये, आपको जो लिखना है वो लॉजिक लिख सकते हो। थर्ड स्टेप आता है आउटपुट का, आउटपुट जनरली रिटर्न किया जाता है, रिटर्न मतलब वापस भेजना। आपने यहाँ पे नंबर, यहाँ से दो नंबर आपके पास आए थे राइट, तो आंसर आपको रिटर्न भेजना पड़ेगा फिर, तो इसलिए आपने जो आंसर आया है उसको रिटर्न भेज दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटर्न भेजा, दैट्स व्हाई यू गेट अ आउटपुट हियर। क्लियर? ओके गुड। सो व्हाट आई कैन डू इज, ये आउटपुट जो आप रिटर्न भेज रहे हो इसके अलग अलग वेरिएशन आते हैं अभी। ओके, तो पहला वेरिएशन है मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ओके मैं डायरेक्टली आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट कैसे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, द आउटपुट द आंसर इज, होप आपको एफ स्ट्रिंग पता है, कल हमने बहुत डिटेल में इस पे डिस्कशन किया है राइट। द आंसर इज रिजल्ट, अभी मैं रन रन कर देता, देखिए द आंसर इज 540। तो ये रिजल्ट स्टेटमेंट में निकाल दू तो भी चलता है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, देखिए एग्जीक्यूट किया, द आंसर इज 540। ओके, तो इनपुट लॉजिक और आउटपुट डायरेक्टली मैं कर सकता हूं ऐसे, तीनों स्टेप रिटर्न के बजाय। रिटर्न इज अ ऑप्शनल स्टेटमेंट, ओके समझ में आया। चलो और एक प्रोग्राम देखते हैं, मे बी अंडरस्टैंड। डिफाइन डीईएफ सब्ट्रैक्ट नंबर्स, ऐसे मैंने लिखा है, डिफाइन सॉरी डिफाइन सब्ट्रैक्ट ऑफ नंबर्स लिखा है, मतलब सब्ट्रैक्शन का मुझे एक प्रोग्राम फंक्शन बनाना है। तो टाइम बीइंग लेट मी ये इसको निकाल देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ क्या है वो सब्ट्रैक्ट नंबर्स। तो x कॉमा वाई राइट, तो रिजल्ट इज इक्वल टू x माइनस वाई, यही लॉजिक है मेरा, सब्ट्रैक्शन ऐसे ही होता है। देन रिजल्ट रिटर्न, रिटर्न करना है तो रिटर्न कर दीजिए, और प्रिंट करना है तो आई कैन प्रिंट, आपको अभी पता है प्रिंट भी वर्क होता है। सो प्रिंट द आंसर इज, क्या आएगा आंसर, रिजल्ट राइट, रिजल्ट आएगा ना आंसर इसमें। तो लेट्स एग्जीक्यूट, पहले तो यहाँ पे तीन नंबर है इसकी जगह दो लिख देता हूं मैं, ये लेट मी रिमूव दिस एंड एग्जीक्यूट, द आंसर इज 10 आ गया, 40 माइनस 30 10। तो नेक्स्ट वन इज, सपोज यहाँ पे आपने एक नंबर भेज दिया सिर्फ, तो क्या आता है, एरर आता है, आर्ग्यूमेंट वाई नहीं दिया, तो इसके लिए देर इज वन शॉर्टकट। तो आप एक काम करो, कुछ नंबर नहीं भेजा तो डिफॉल्ट सेट करो 0 ऐसे रन। तो मान लीजिए मैंने 40 भेजा और वाई भेजा ही नहीं, तो वाई क्या करेगा, ये 0 यहां से अज्यूम कर लेगा। देखिए 40 माइनस 0 क्या आता है, 40। आपको ट्रस्ट नहीं है तो 1 सेट करके देखो, वहां पे 40 माइनस 1 39, और 56 माइनस 1, और मान लीजिए मैंने भेज दिया 56 माइनस 2 ऐसा भेजा, तो क्या आएगा 54। मतलब आपने भेज दिया तो यही लेगा ये जो नंबर है, नहीं भेजा तो यहां से नंबर लेगा, आपने कुछ भी नहीं भेजा
एग्जीक्यूट, तो बाय डिफॉल्ट आंसर क्या आएगा? माइनस वन, राइट? जीरो माइनस वन क्या आता है? माइनस वन। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ये जो अंदर लिखा है ना, इसको पैरामीटर्स बोलते हैं, नहीं तो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ओके, आगे जाके यही आप बहुत बार यूज करने वाले हो। तेरा टाइमर, हाँ यही मैं देख रहा था, टाइमर आ रहा है आजकल, अभी प्रीवियस लेक्चर में नहीं था। ओके ठीक है, नॉट एन इशू। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन, क्योंकि जब मॉड्यूल्स आप पढ़ोगे उसमें बहुत ज्यादा फंक्शंस यूज होते हैं। क्लियर है सबको? फंक्शन क्लियर है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्लियर है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्लियर है, लॉजिक का स्टेप क्लियर है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है तो ये देख लीजिए। लोन अमाउंट है, ईएमआई कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट डिवाइडेड बाय 12 ना, 1 2 3 4 नहीं, अमाउंट डिवाइडेड बाय 12, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने कितना पे करना है। तो यहाँ पे एक लिखा है इसका शॉर्टकट, ये हमने शॉर्टकट लिया है, ये लॉन्ग कट है। सो लेट मी एग्जीक्यूट, यहाँ पे सब कुछ मैंने यूज किया है। ठीक है, आप बोलिए लोन अमाउंट आपने कितना लिया है? लोन अमाउंट है मेरा 12,000 का। एग्जीक्यूट, तो हर महीने कितना आएगा ईएमआई? 1,000 रुपए, राइट? लोन अमाउंट है 24,000 का, कितना ईएमआई आएगा? 2,000। तो ये मेरा लॉजिक है, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, ईएमआई कैलकुलेट करने का। सो एफ स्ट्रिंग जो हम रेगुलर यूज करते हैं, मैंने आपको बोला था कि इसका एक लॉन्ग मेथड भी है, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे ऐसा कुछ डॉट फॉर्मेट, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड लिखोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ये हम जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे ना डिटेल में, तब आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज दिस, बट फॉर योर सिंप्लिसिटी, थोड़ा आपको क्यूरियस बनाने के लिए, आई हैव रिटन बोथ द कोड हियर। ओके, नॉट ओनली दिस, इसके और दो तीन एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, ये देखिए स्टूडेंट के मार्क्स मैंने इनपुट किया है, इनपुट इनपुट इंटीजर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन साइंस, मार्क्स इन इंग्लिश, और प्रिंट करना है द स्कोर ए बी सी इन इंग्लिश साइंस, ऐसे। सो लेट मी एग्जीक्यूट, ये हो गया फुल डिटेल नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फिर बाद में हमने इनपुट फंक्शन यूज किया है, और इसको मैं रन करता हूं तो वो देखिए। होप ये आपको याद है इनपुट फंक्शन क्या है और कैसे ये रन होता है, राइट? यूजर से इनपुट लेने के लिए, बताइए नेम ऑफ स्टूडेंट अमित, एंटर, मार्क्स, एंटर, एंटर, इंग्लिश के मार्क्स, एंटर, अमित हैज स्कोर्ड 56 मार्क्स इन मैथ, 78 मार्क्स, ये आया आउटपुट, अमित हैज स्कोर्ड दिस मैथ, दिस 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 साइंस। ऐसे आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। समझ में आया सबको हाउ वी कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन? यस, नो, गुड। सो कल का होमवर्क है, आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखने हैं 5। आप प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यू टेक एनी लॉजिक, उस बेसिस पे आपको 5 फंक्शन लिखने हैं, एंड उसमें से एक इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर देखा, सो आई वांट एडिशन ऑफ 10 नंबर्स, मतलब 10 नंबर में भेजूंगा, 10 नंबर का एडिशन मुझे आना चाहिए। ओके, इज इट पॉसिबल? ये आएगा सबको? गुड, तो होमवर्क क्लियर है सबका? 5 यूजर डिफाइंड फंक्शन आउट ऑफ 5, एक रहेगा 10 नंबर का एडिशन, एडिशन ऑफ 10 नंबर्स। ओके, तो कल और एक दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है वो सीखेंगे, एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ इनबिल्ट फंक्शंस। और कल से आपको थोड़ा पंक्चुअल होना पड़ेगा, बिकॉज आई गेस देयर इज सम टाइमर। ओके, ये 1 आवर का टाइमर है, उसमें वो खत्म हो जाएगा।
सर 10 नंबर के लिए फंक्शन डेफिनेशन में 10 नंबर तक लेना पड़ेगा ना, नंबर वन नंबर टू ऐसा आप देख लो कैसे दस। करना है। आप यू आर स्टिल लकी। व्हाट इफ आपको 50 नंबर्स करना है, 50? एक्स एक्स हाँ एक्स थ्री ओके ओके क्लियर। सबको होमवर्क क्लियर है? हाँ गुड गुड। देन बाय द वे कल सैटरडे है तो कल लेक्चर नहीं रहेगा। मोस्टली मंडे, मोस्टली नहीं, डेफिनेटली हम मंडे को ही मिलेंगे। सैटरडेज आर ओनली फॉर एक्टिविटीज, राइट? ओके गुड। सो वी विल डायरेक्टली मीट ऑन मंडे। सो थैंक यू ऑल देन। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। चलो विल डिस्कनेक्ट।